जमाना अपनी रफ्तार से चलता रहता है, तारीख बनती और बिगड़ती रहती है, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके नक्शे कदम पर आने वाली नस्लें चलती हैं। ऐसी ही एक बुलंद शख्सियत के मालिक थे मौलाना आज़ाद। 11 नवंबर 1888 को मौलाना आज़ाद पैदा हुए। उनका नाम रखा गया फिरोज़ बख्त मुहीउद्दीन अहमद अबुल कलाम। जब मुहीउद्दीन बहुत छोटे थे, मौलाना खैरुद्दीन अपने पैर के इलाज के लिए अपने ख़ानदान के साथ मक्का से कलकत्ता आए और यहीं बस गए। जब उनके वालिद मक्के से लौटकर हिंदुस्तान आए, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मौलाना की उम्र 2 साल से 6 साल के बीच में रही हो। 10 साल की उम्र में फिरोज़ ने कुरान शरीफ की तालीम मुकम्मल कर ली, कुछ सूरे ज़बानी हिफ्ज़ कर लिए। मौलाना खैरुद्दीन ने बेटों और बेटियों की भी तालीम का खास ख्याल रखा। हाँ, तो बच्चों में बता रहा था कि इस्लाम बहुत अजीम और पाक मज़हब है। इसमें वतन के लिए ख़ास तौर से कहा गया है कि अपने वतन के साथ हमेशा वफादार रहो, कभी धोखा मत करना, क्योंकि मुनाफिकीन की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। और ये भी कहा गया है कि बगैर किसी मज़हब की तफरीक के अपने भाइयों के साथ प्यार और मोहब्बत करो, क्योंकि प्यार मोहब्बत का जज्बा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मज़हब जो है इंसानियत है, और इस्लाम भी इंसानियत के बारे में ही बताता है। एक बात और याद रखो, हर तरह से हर वक्त अपने मुल्क की खिदमत के लिए तैयार रहो। इस्लाम में इसलिए वतन को बहुत ऊपर कहा गया है, और मैं तुम लोगों से भी कहता हूँ कि अपने वतन की ऐसी खिदमत करो कि एक नज़ीर बन जाओ, लोग रहती दुनिया तक तुम्हें याद रखें। समझ में आ रही है ना बात? जी। हाँ मुहीउद्दीन, कुछ पूछना चाहते हो? जी अबू जान, आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि मैं अपने मुल्क की खिदमत कैसे करूँ? बेटा मुहीउद्दीन, ये तो आपको सोचना है कि आप कैसे खिदमत करेंगे। इसके बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे मैंने बताया, अपने बरादराने वतन से प्यार मोहब्बत से रहो, ये भी एक मुल्क की खिदमत है। और बाहर के दुश्मनों से अपने मुल्क की हिफाजत करो, अगर वो आए तो उनसे बगावत करो, उनसे लड़ो, उनको दूर भगाओ, उनको उखाड़ फेंको यहाँ से, समझे? जी। शब बख़ैर। शब बख़ैर। अबू जान, अब बहुत रात हो गई है, अब आप सो जाइए। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा अबू नसर, सही मायनों में मेरे जानशीन हो, अल्लाह तुम्हें इसकी जजा दे। मौलाना, सर सैयद कहते हैं कि हम मुसलमानों को अंग्रेजी जबान सीखनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? ला हौल वला कुव्वत मियां, ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? अरे आपको तो पता ही है कि सर सैयद की अंग्रेजों से वाबस्तगी है। बहरहाल, इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता कि गोरों से खिताब लेने के बाद उनकी जुबान और उनकी हुकूमत की वकालत करते हैं। अरे हम मुसलमानों को अंग्रेजी जुबान और माशरत से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए, ये हमारे मजहबी रिवायात के खिलाफ है, खतरा है इससे हमें। 1857 में हमने बगैर किसी मजहबी तफरीक के इन अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी,
हाय अफसोस, मगर आज भी हमारे पठान बगावत कर रहे हैं। और देवबंद के मदरसे को देखिए, 1857 के बागी मुसलमानों का ही खोला हुआ है, और वहां हमारे मुल्क की आलीशान जुबान संस्कृत पढ़ाई जाती है, और हमें इस पे फख्र है। और आपकी अंग्रेजी जुबान उस मदरसे के दरवाजे से कोसों दूर खड़ी है, एक यतीम यसीर की तरह। और क्यों ना हो, अपनी बरसों पुरानी तहजीब को हम अंग्रेजों के हवाले कर दें। मियां, उस अंग्रेजी जुबान को सीखना जिन्होंने हमें गुलाम बनाया है, इससे बड़ी तौहीन की बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती। पर मौलाना, जहां तक मुझे मालूम है, सर सैयद, मेरा मतलब है जनाब सैयद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के खिलाफ नहीं है। वो चाहते हैं कि हम मुसलमान भी अपने हिंदू भाइयों की तरह आज के जमाने यानी जदीद तालीम हासिल करें, और साथ साथ अपने दीन की बुनियाद को भी कायम रखें, नहीं तो हम हिंदुओं से पिछड़े रह जाएंगे। सैयद साहब फरमाते हैं कि मुसलमान फिलहाल जदीद तालीम पर ध्यान दें, तभी तो आगे चलकर सही मायने में हम हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी के लिए लड़ सकेंगे। इसीलिए वो फिलहाल अंग्रेजी हुकूमत से वफादारी की बात करते हैं, जिससे कि हमारे लिए जदीद तालीम हासिल करने के वास्ते जामिया वगैरह खुल पाएं। तो भुला दें अपने मजहब को। मौलाना, अंग्रेजी तालीम हासिल करने से ना तो हिंदू अपना मजहब भूले हैं, और ना ही जनाब सैयद, हम तो आपके कदमों में हाजिर होते हैं दीनी तालीम हासिल करने के लिए। आखिर आप हमारे नक्शबंदी सिलसिले के इतने बड़े मौलाना हैं, तो अपने मजहब को भूलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बेहतर यही होगा कि आप तशरीफ ले जाइए, और जब हमारी बात पर यकीन आ जाए तो वापस आ जाना, वरना नहीं। मौलाना, मेरा मकसद आपको कतई परेशान करने का नहीं। आप तशरीफ ले जाइए यहाँ से। अरे शुभ्रो, तो तुम कब तशरीफ लाए? यही कुछ 2-4 घंटे हो गए होंगे। क्या? मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं अभी अभी आया हूँ। हमेशा की तरह मजाक करते हो। अच्छा, तशरीफ रखो। जरा ये तो बताओ, स्कूल में तुम नया क्या सीख रहे हो? क्यों, तुम्हारे अब्बू तुम्हें स्कूल भेजने की सोच रहे हैं क्या? अरे नहीं दोस्त, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दो। बहुत कुछ, पहले फिजिक्स थी, अब केमिस्ट्री आ गई है, पहले सिर्फ अंग्रेजी भाषा थी, अब अदब भी आ गया है, और तो और पॉलिटिकल साइंस भी आ गई है, यानी नीतियाँ और राजनीतियाँ। अच्छा शुभ्रा, तो जरा ये बताओ, क्या तुम सैयद अहमद खान के बारे में कुछ जानते हो? सैयद अहमद खान, द नेम रिंग्स अ बेल। हाँ, नाम तो कहीं सुना है। हाँ, कल ही पिताजी उनका लेख पढ़कर माँ से कुछ जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे जनाब सैयद अहमद खान बहुत ही तरक्की पसंद ख्यालात के हैं, और तो और पिताजी ये भी कह रहे थे कि सैयद साहब अंग्रेजी हुकूमत से बहुत वफादारी की बात करते हैं, इसलिए सर बना दिए गए हैं। अच्छा शुभ्रो, तो क्या तुम मेरे लिए इन सैयद साहब का लेख ला कर दोगे? हाँ, पर बहुत ही एहतियात से, अप्पा जान को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। जानता हूँ, वरना तुम्हारे अब्बा हमारे कान खींच खींच कर हाथी जैसे बना देंगे, है ना? दोस्त, मैं तुमसे संजीदगी से बात कर रहा हूँ, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम्हें तो पता है शुभ्रो, तो हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, बस कभी कभार किताबों की दुकान तक चला जाता हूँ। हालांकि मैं दूसरों के ख्यालात की इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरी भी तो कुछ ख्यालात है, उनकी इज्जत करना मेरा फर्ज नहीं है क्या? लेकिन तुम्हें तो संगीत पसंद है, क्या तुम अपने अब्बू के डर से इस ख्वाहिश को कुचल दोगे? मैं अपने अब्बा जान के एक मुरीद से सितार बजाना सीख रहा हूँ। अब्बू जान! शुभ्रो, तो तुम्हें मजाक के सिवाय कुछ और सोचता है? उनके जो खेल थे ना, वो ये खेल नहीं थे कि भाई आंख में चौली या फिर इस तरह से पकड़म पकड़ाई, ऐसे खेल नहीं थे। उनके खेल भी ये थे, खुद को वो
अपने एक बॉक्स के ऊपर खड़े होकर, अटैची के ऊपर खड़े होकर ये कहते थे कि मैं तुम सबका लीडर हूँ। हिंदुस्तान के मुसलमानों मेरी बात सुनो, मेरे दादा परदादा की अकबर और शाहजहां जैसे बादशाहों के दरबार में बहुत इज्जत होती थी। मेरे दादा परदादा बादशाहों से रूबरू होते थे, लोग उन्हें दिल्ली के मौलाना के नाम से भी जाना करते थे। मैं भी दिल्ली का मौलाना हूँ और बहुत दूर से ट्रेन पकड़कर आप सबके पास आया हूँ। अरे तुम तो कलकत्ता में रहते हो। अरे अरे धक्का मुक्की ठीक नहीं, मेरी तकरीर सुनने के लिए हर कोई आगे नहीं बैठ सकता। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हजारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में आए हैं। कहाँ है भीड़ मुहिउद्दीन, तुम आए दिन हमें जबरदस्ती बिठाकर अपनी तकरीर क्यों सुनाते हो? अरे जब तक इसकी तकरीर ना सुन ले हमें जाने थोड़ा ना देगा दिल्ली का मौलाना जो ठहरा। अमन बनाए रखे, जब कोई मौलाना अपने मुरीदों से बात कर रहा हो तो बीच में टोका टाकी ठीक नहीं। हाँ तो मैं कह रहा था कि इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करनी चाहिए, बेशक वो किसी और मजहब या मुल्क का हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हमें गरीबों का बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हमारे मजहब में ज़कात पर इतना जोर दिया गया है। ज़कात? ये क्या है? ज़कात नाम है उस हिस्से का जिसे आप अपनी कमाई हुई रकम से अलग करके गरीबों में तकसीम करते हैं। हमारे रसूल पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम सब बराबर है, इसलिए इस्लाम में ज़कात हर शख्स पर लाजिम किया है ताकि गरीब को भी रोटी कपड़ा और सर छिपाने की जगह मिल सके, समझे? युद्दीन मेरा दोस्त है। अब जलसा बर्खास्त, तालियां बजाओ। अरे बात तो अरे बेटा हर वक्त पढ़ते रहते हो, कुछ खा भी लिया करो। आप खिलाएंगी तो मैं खाऊंगा। जरूर। अम्मी जान आप इतना लजीज खाना कैसे बना लेती हैं? ये खाओ। अरे दोस्तों, हर महीने हम अपने गरीब खाने पर एक महाना शहरी नशिस्त का इनेकाद करते हैं। आज के मुशायरे के सदर हैं अली जनाब नजमी साहब। मैं इसकी ताईद करता हूँ। ज़ैनसी। आज के मुशायरे में शायर हैं अबू नसर और फिरोज बख्त मुहिउद्दीन। भाई अबू नसर, आपने क्या लिखा है? जी मौलाना, एक गजल लिखी जा रही है। और आप मुहिउद्दीन? जी अभी कुछ अशआर पेश करता हूँ। इरशाद। नश्तर बदल है आह किसी सख जान की, नश्तर बदल है आह किसी सख जान की, निकली सदा तो फसल खुलेगी जबान की। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या उम्दा मसला कहा। गुंबद अगर है बात तो शामियाना, गुंबद अगर है बात तो शामियाना, गर्द शर्मिंदा कब्र मेरी नहीं साहिबान की। बहुत खूब, शुक्रिया। शाबाश शाबाश, इस उम्र में इतनी गहराई। 10-11 साल की उम्र के मुहिउद्दीन की अम्मी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी वाला का इंतकाल पर हमें बड़ा अफसोस है, आइए उनके हक में दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह उनकी मगफरत फरमा दे। आमीन। या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। या अल्लाह इस बच्चे की इस उम्र में अपनी माँ का साया उड़ गया, तू अपनी रहमत का अपने करम का साया दे। आमीन सुम्मा आमीन। या रब।
अच्छा मैं अब चलता हूँ। उस्तादे मोहतरम आज पढ़ाएंगे नहीं? बेटा तुम आज भी पढ़ना चाहते हो? इतने गहरे सदमे से बाहर निकलने के लिए आपकी और तालीम की जरूरत है। सुभान अल्लाह, तुमसे बेहतर शागिर्द मिलना नामुमकिन है। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए खान साहब, तशरीफ रखिए। इतनी मुद्दत के बाद हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए हैं आप। अफसोस, 5 बरस हो गए आपसे मुलाकात किए। जिंदगी को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, पर आपसे मिले बगैर कब्र में पांव रखूंगी तो कैसे? हमारे होते हुए इतनी मायूसी? वो तो आपके चेहरे पर भी झलक रही है। हाँ मियाँ, कह तो सही रहे। दरअसल मैं जिंदगी से बेजार नहीं हूँ, मैं हूँ अंग्रेजों से परेशान। इनके वजनदार चमड़े के जूते हम हिंदुस्तानियों को मसलते हुए कलकत्ता से दिल्ली तक तो पहुंच गए हैं, और अब उससे भी आगे खुदा की कसम खून खोलता है। सब कुछ लूट लिया उन्होंने हम हिंदुस्तानियों का। मियाँ, खुदगर्जी की भी कोई हद होती है। सोना ले गए, कोहिनूर ले गए, और अब हमारी अपनी तहजीब के पीछे पड़े हुए हैं। अब देखिए ना, मुसलमानों का एक तबका अंग्रेजी तालीम लेने पर आमादा है। सवाल ये नहीं है कि अंग्रेज क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या चाहते हैं। खान साहब, लगता है आपके जख्म अभी भरे नहीं। हमारे दादा और जवान अब्बा को 1857 में तोपों से बांधकर उनके चीथड़े उड़ा दिए गए। मैं तो 10-12 बरस का था। मैंने अपनी अम्मा को बेवा होते हुए देखा है। अम्मी की घुटन मेरी सांसों में समा गई है, उसकी सिसकियां मेरे कानों में गूंजती रहती है। अंग्रेज को क्या फर्क पड़ता है हिंदुस्तानी मरे या जिए, वो तो सिर्फ खून चूसना जानता है, हमारी मिट्टी की रोटी खाता है, हम पर भी जुल्म करता है। मुझे याद है दादा हजूर खुश आकर बता रहे थे कि हमारा मुल्क फिर से हमारा है, बहादुर शाह जफर हमारे बादशाह होंगे, हम उनका हुक्म मानेंगे, फिरंगी की नहीं मानेंगे। कितने लाखों फूल खिले पर चमन से उजड़े, कितने लाखों फूल खिले पर चमन से उजड़े, अंग्रेजों के तूफानों में खुशबू रोती रोती सहम गई बहार में। सब नजारा बदल गया, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, लक्ष्मीबाई कातिया टोपे, नाना साहब बख्त खां, मौलाना साहब, क्या कभी फिर से हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ेंगे? मौलाना साहब, मियां, हिंदू और मुसलमान तो आज भी साथ हैं, मगर ये कमबख्त अंग्रेज हमारे कौमी इत्तेहाद को बिखेर रहे हैं। बड़े ही शातिर हैं ये। मौलाना, आप तो अंग्रेजों को निकालने की तरकीब बताइए, ताकि फिर वही शानदार मुगल बादशाहों का जमाना आ सके।
कितनी दर्दनाक कहानी थी शबीरो तो। हाँ, अंग्रेजों को अपने वतन से निकालना ही होगा, लेकिन मुइद्दीन कैसे? उनकी ही तालीम हासिल करके, उनके मयान से तलवार निकाल कर उन्हें हिंदुस्तान से विदा करना ही होगा। ठीक कह रहे हो दोस्त। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। साहबजादे आप ही का इंतजार कर रहा था, आइए तशरीफ रखिए। कुछ चीजें आपके लिए मंगवा के रखी हैं। नोज़ फरमाए। जी शुक्रिया। और साहबजादे आज फिर कुछ किताबें खरीदने आए होंगे? आपका कलाम पढ़ता रहता हूँ। क्या खूब लिखते हैं। जी शुक्रिया चाचा जान, लेकिन मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। आप तो मुस्तफाई प्रेस के मालिक हैं, अरबी और अंग्रेजी से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप और मैं मिलकर अखबार निकालें। आपके इरादे तो बहुत बुलंद हैं साहबजादे, लेकिन अखबार निकालना मजाक नहीं, मैं तो कहूँगा पूरी सरदर्दी है। अब देखिए, मेरी नीचे किताबों की दुकान अच्छी खासी चल रही है, किताबें और अखबार बेचने के साथ साथ मुझे पढ़ने का वक्त भी मिल जाता है। लेकिन चाचा जान, अगर हम अखबार निकालेंगे तो क्या क्या नहीं छाप सकेंगे, खास तौर पर बदलते जमाने की नई सोच जैसे कि चाचा जान आपकी। मुझे फख्र है आप पर, लेकिन आपकी उम्र अभी नाजुक है, थोड़े और बड़े हो जाइए फिर जोरों शोरों से अखबार निकालेंगे। लेकिन चाचा जान अभी क्यों नहीं, और वैसे भी मैं इसे अकेले थोड़ी ना चलाऊंगा, आप जैसी शख्सियत के साथ ही तो इसे शुरू करूंगा। आप नहीं मानेंगे साहबजादे। चाचा जान मैं यहाँ पे मनवाने आया हूँ, मानने नहीं। तो फिर ठीक है, एहसानुल अखबार नाम से रजिस्ट्रेशन फिलहाल मौजूद है, कल से ही काम शुरू करते हैं। अब तो मियाँ खुश? जी चाचा जान बहुत खुश हूँ। आपके लिए कुछ किताबें मंगवाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, कल हाजिर होता हूँ अखबार जो चलाना है। जी जरूर जरूर, खुदाफिज़। सर सैयद अहमद की तरफ मुइद्दीन का रुझान बढ़ता गया। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द एच ई ए वी ई एन ओ हेवन एंड द ई ए आर टी एच अर्थ। मुइद्दीन क्या पढ़ रहे हो? अरे शुभ्रतो, लंबे अरसे से तुम मुझे मिलने नहीं आयो, सब खैरियत? पिताजी ने अचानक फैसला कर लिया कि गर्मियों की छुट्टियों में हम दार्जिलिंग जाएंगे, क्या प्यारी जगह है। अच्छा, मैं तो किताबों के जरिए दुनिया की सैर कर लेता हूँ, तुम्हारी बदौलत कुछ सर सैयद के मजमून मिले थे। तुम्हें पता है उन्हें पढ़ने से बहुत मुतासिर हुआ, इस हकीकत से आशना हुआ कि जदीद साइंस फलसफा और अदब पढ़े बगैर कोई भी शख्स तालीम याफ्ता नहीं हो सकता है, इसलिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ये देखो तीन जबान में बाइबल लाया हूँ। ये तीन जबानों में बाइबल का क्या किस्सा है? फारसी और उर्दू पढ़ना जानता हूँ, इनके जरिए अंग्रेजी अल्फाज और जुमलों को मिलाता हूँ। वाह क्या तरीका है, मैं जानता हूँ इस तरीके से तुम अंग्रेजी जबान सीख लोगे, मेरी मदद चाहिए तो बताओ। फिलहाल तो नहीं, मैंने जनाब मौलवी मोहम्मद यूसुफ जाफरी से अंग्रेजी हुरूफ़े तहजी सीखी है। अब पहले किताब मंगवाई है, इसके बाद ये बाइबल और फिर अंग्रेजी अखबार भी पढ़ने लगा हूँ। मुइद्दीन इतना पढ़कर तुम क्या करोगे? तुम भी तो स्कूल में इतना सब कुछ पढ़ते हो। दोस्त इल्म की कोई दीवार नहीं होती, हमारे रसूल पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में रहते हुए फरमाया है कि अगर इल्म पाने के लिए चीन तक जाना पड़े तो चले जाना चाहिए, चाहे चीन के माशरत और मजहब बिल्कुल अलग थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अंग्रेजी और आज के जमाने की साइंस सीखने में हमारा नुकसान ही क्या है। मैं इस दकियानुसी सोच को कतई नहीं मानता हूँ, इनका मजहब से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए मैं खुद को आज़ाद महसूस करता हूँ। जिस तरह हवा का झोंका मेरे अंदर ताजगी का एक एहसास पैदा करता है, जिस तरह बारिश की बूंदे मुरझाए हुए पत्तों को नई जान देती है, जिस तरह आसमां खुलकर सांस लेता है, जिस तरह परिंदे आजाद उड़ते हैं, मैं भी उसी तरह आजाद होना चाहता हूँ, हवा की तरह, बारिश की तरह, आसमां की तरह, परिंदे की तरह।
अपनी सोच रखने वाला, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने वाला एक आजाद इंसान, एक आजाद इंसान। अरे वाह आजाद इंसान, वैसे तुम्हारा अंदाज मौसीकी से कुछ कम नहीं। शुभ्रो तो तय है, आज से मैं आजाद नाम से भी और सोच से भी। आज से मुहिउद्दीन कहलाएगा फिरोज बख्त मुहिउद्दीन अहमद अबुल कलाम आजाद। डिंग डिंग। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तशरीफ रखिए। जी, इन किताबों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छी किताबें थी। और ये देखिए, मैं कई मुल्क के बेहतरीन अखबार लाया हूँ। शाबाश, किस किस मुल्क के अखबार हैं? मिस्र, तुर्की, ईरान, यहाँ तक कि अमेरिका के भी कुछ बेहतरीन अखबार लाया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन चाचा जान, इन अखबारों को देख के मुझे एक मसला समझ में नहीं आया। बाकी के इस्लामी मुल्क मगरबी ताकतों से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो हम हिंदुस्तानी मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? देखो मोहिद्दीन, 1857 में मुगल बादशाह को वापस लाने के लिए हम हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर अपनी जान पे खेल गए। बगावत के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने खास तौर पर हमारी कौम पे बहुत जुल्म किए, जिसकी वजह से हमारे दिल में अंग्रेजों के लिए और नफरत पड़ गई। इसके नतीजे में हमने अंग्रेजी तालीम से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया, लेकिन सर सैयद ने हमारी आंखें खोल दी। चाचा जान, मैं सर सैयद की इज्जत करता हूँ, और मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उन्होंने कहा है कि हर शख्स का हक बनता है कि वो अपनी सोच पे अमल करे और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से तराशे। लेकिन मैं उनकी इस बात से इत्तफाक नहीं रखता हूँ कि हमें अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ना चाहिए। फिलहाल तो बरतानवी हुकूमत हम मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है। आज़ादी के खिलाफ उनकी साजिश बस इतनी है कि हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करके दोनों कौमों में नफरत फैलाई जाए। जब हमारे हिंदू भाइयों ने 1857 में एक मुसलमान बादशाह को रियासत दिलाने के लिए अपना खून बहाया, तो हमें भी आज़ादी की लड़ाई में हिंदुओं का साथ देना चाहिए, मिलकर अपने मुल्क को आज़ाद करवाना चाहिए। मोहतरम, पुराने पाक में कहा गया है कि इंसाफ के लिए लड़ने वाले को फतह मिलती है। हिंदू तो हिंदुस्तान को छोड़ेगा नहीं, जाना तो फिरंगी को ही पड़ेगा। देखो बेटा, ये तो सोचो कि आज़ाद जमहूरियत में अकलियत के तौर पे और वो भी तालीमी और माशी तौर पे पिछड़ी हुई कौम के होते हुए हम मुसलमानों का क्या दर्जा होगा इस मुल्क में। आज़ाद हिंदुस्तान बनने पर मुसलमानों के साथ बदसलूकी नहीं होगी, बशर्ते हम अपने हिंदू भाइयों को आज अपना दुश्मन ना बनाए। इसलिए फिरंगी हुकूमत का साथ नहीं देना चाहिए। ये मुल्क हमारा उतना ही है जितना हिंदुओं का, इसलिए इसे आज़ाद करना हमारा फर्ज। हाँ बेटा, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। महज 13 साल की उम्र में मेरा निकाह हो गया, और जब मैं 16 साल का हुआ तो जुलेखा बेगम का मेरे गरीब खाने पर इस्तकबाल हुआ। कितनी खूबसूरत है मेरी जुलेखा बेगम, इनको किसी की नज़र ना लगे। मौलाना आज़ाद के एक मजमून पर हंगामा हो गया और अखबार बंद हो गया। कलकत्ता से मौलवी यूसुफ जाफरी के तआवुन से लिसानो सिद्दीक जारी किया। ये रिसाला भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद की जद्दोजहद जारी रही। उनकी कलम की ताकत मुख्तलिफ अखबारों को कुव्वत व जीनत बख्शती रही। उस फौलादी कलम के मेमार ने उस दौर के बहुत बड़े आलिम मौलाना शिबली नौमानी को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। मौलाना शिबली ने 1904 में अबुल कलाम आज़ाद को लाहौर अंजुमन हिमायत इस्लाम में खसूसी मुकर्रर के तौर पर मदु किया। मौलाना शिबली नौमानी और उनके साथियों को बड़ी मुश्किल से ये यकीन हुआ कि ये 15-16 साल का लड़का वो ही है जिसने अपने अखबार निकाले और इतने शानदार मज़मून लिखे हैं।